नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत रेखा और कोण टॉपिक के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप टेलीग्राम के ऊपर लेट्स पढ़ो चैनल को ज्वाइन करके डेली ही 9 बजे जो है दोस्तों आप क्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का सेशन रहेगा दोस्तों हमारा, वह बेस रहेगा कि हम किस प्रकार से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, असंपूरक कोण, पूरक कोण, एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग, एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग और कुछ सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर। क्योंकि दोस्तों एक स्टूडेंट का कम हमने जो है पूछा था लास्ट वीडियो में कि हमें बेसिक भी पढ़ाना है क्या, तो स्टूडेंट ने बोला यस, तो हम बेसिक को भी कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आता है कि ये कोई है रेखा और इस रेखा के ऊपर ये कोई आ रही है किरण, ठीक है, इस ये किरण। अब क्या हुआ दोस्तों, ये थीटा 1 बन गया और एक बन गया थीटा 2। अब हो सकता है एक और तीसरी और आ जाए, चौथी और आ जाए, आने दो भाई, लेकिन अभी हम एक लेकर चल रहे हैं। दो आए, तीन आए, जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात आप याद रखिएगा, बस ये कहना चाहता हूं कि एक रेखा के ऊपर एक ही और बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इस बात को नोट कर सकते हैं, एक ही रेखा के एक और बने कोण, ठीक है, और वो ये रहे थीटा 1 और थीटा 2, जिनका योग होगा 180 डिग्री। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर रेखा न होकर के एक स्मॉल बिंदु हो तो इस बिंदु के ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं, ठीक है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 और थीटा 5, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5, इन सभी का योग होता है 360 डिग्री। यानी कि एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दो बातें मैंने अभी तक बताई आपको कि एक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बढ़ते हैं आगे, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और थर्ड पॉइंट बेस है आपके दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है, कैसे बनते हैं उनके ऊपर। तो शीर्षाभिमुख कोण वे कोण है जो दो रेखाओं के आपस में काटने के बाद आमने सामने बने हुए कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा लेकिन डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि कैसे बनते हैं। देखो ये रहे ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो एक दोस्तों ये है और दूसरा ये है, थीटा 1, ये है थीटा 2 और ये है थीटा 3 और ये है थीटा 4। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में थीटा 1 और थीटा 2 और थीटा 3 और थीटा 4, ये चारों ही कोण क्या है दोस्तों, बराबर है, क्या है, बराबर। और ये है क्या, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण वे कोण है जो दो रेखाओं के आपस में काटने के बाद आमने सामने बनते हो। यानी कि कहने का मतलब यहां यही है कि जब दो किरणें एक ही मुख की ओर मिलती हुई दिख जाए आपको। देख लो एक इस अगर यहीं पर ओ बिंदु माना जाता तो ये देखो कि एक ये किरण, एक ये किरण, एक ये री किरण, तो ये किरण और ये किरण, अब ये जो मिल रही है ये एक ही मुख की ओर मिल रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण या शीर्ष के मुंह से उत्पन्न होने वाले दो कोण, ठीक है। तो ये थे दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बातें। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब आता है हमारा
तीसरा पॉइंट कि समांतर रेखाएं क्या होती है, सॉरी चौथा पॉइंट कौन सा, समांतर रेखाएं, आप नोट डाउन करिए समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाने के बाद भी नहीं मिलती हो तथा जिनके मध्य की दूरी हमेशा हमेशा बराबर हो। देखिए कैसे, एक ये है और एक ये है, ये दो रेखाएं हैं, इनके मध्य की यह दूरी क्या होगी दोस्तों, निश्चित होगी और यह हमेशा निश्चित रहेगी चाहे आप अनंत तक बढ़ाएं। तब ये जो लाइनें हैं ए बी और सी डी, ये क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी, और समांतर रेखा यानी कि आप लाइन खींच सकते हैं। तो ए बी समांतर सी डी, ठीक है। तो समांतर रेखाओं से ही अब हम आगे पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे एक तिर्यक रेखा के बारे में, उसके बाद हम बढ़ेंगे एकांतर कोण, समांतर जो संपूरक कोण, संगत कोण, उनके बारे में। तो समांतर रेखा देख ली आपने, अब बढ़ता हूं तिर्यक रेखा की ओर। तो अब पढ़ते हैं तिर्यक रेखा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं वापस से पूरा समझाने वाला हूं। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा दोस्तों खींची जाती है ऐसे, और इसको नाम देते हैं हम अभी पी ओ, और ये कट आउट होती है ऐसे, और ये हमेशा रेखाएं जो होगी दोनों पेयर में, ये क्या होगी, समांतर, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा ही तिर्यक रेखा कहलाती है। ये क्या कह गए, अरे दो समांतर रेखाएं उनको तिरछे तरीके से जो भी रेखा काटेगी, अब ये जरूरी नहीं ऐसे ही काटे, ये यूं भी काट सकती है, ठीक है, ये यूं भी काट सकती है, तो इसको कहा जाता है तिर्यक रेखा। आपको बात समझ में आ गई, मतलब समांतर रेखाओं को तिरछा काटने वाली लाइन, ठीक। अब बढ़ता हूं मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और अब हम बढ़ेंगे एकांतर कोण और उनके बारे में पूरे एक ही डायग्राम में। आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा। पी ओ ए बी सी डी, और अलग अलग एंगल बना लीजिए, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर थीटा फाइव थीटा सिक्स थीटा सेवन थीटा एट, ये आठ कोण बन चुके हैं इसमें। अब हमें बढ़ना है इसके बारे में कि ये कब क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों इसमें शीर्षाभिमुख कौन से कौन कौन से हैं। देखिए तो आप लिख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, तो देखो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा फोर, और थीटा फाइव इज इक्वल टू थीटा एट, और थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री, और थीटा सिक्स इज इक्वल टू थीटा सेवन। ये टोटल चार अलग अलग पेयर क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एकांतर कोणों के बारे में, एक मिनट थोड़ा सा अपडेटिंग में टाइम लगेगा। तो एकांतर कोण, एकांतर कोण वे कोण हैं जो इन समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के द्वारा निर्मित जेड आकृति में बनते हो। जेड आकृति से क्या तात्पर्य है, ये वाले। अब ये कौन से हैं, तो देखिए आप यहां लिख सकते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण में सबसे पहला कोण आएगा थीटा फोर इज इक्वल टू थीटा फाइव, ठीक है, बात समझ में आ गई, थीटा फोर इज इक्वल टू थीटा फाइव, और एक आ जाएगा दोस्तों ये वाला कौन सा, तो थीटा थ्री इज इक्वल टू थीटा सिक्स। ये दो पेयर में जो बने हुए कोण हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं, बात समझ में आई, मतलब कि एकांतर कोण से तात्पर्य है जो जेड आकृति में निर्मित होते हो, ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। बढ़े आगे, अब पढ़ते हैं संगत कोण के बारे में, लिखिए संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं,
संगत कोण यानी कि दोस्तों समांतर रेखा के एक और तिर्यक रेखा के भी एक और बने हुए कोण कौन से हैं, तो देखिए थीटा 5 और थीटा 1, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 5। इसी प्रकार से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 6, ठीक है, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 6, ये भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 6। और कौन से सर, तो और आ जाएंगे थीटा 3 और थीटा 7, ठीक है, आप लिख लीजिए थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 7। और कौन से, थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 8। ये टोटल जो दोस्तों चार कोण हैं, ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संपूरक कोणों के बारे में। उसके लिए मैं एक अलग पेन ले लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब यहां पर लिख लीजिए आप संपूरक कोण। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता हो। और संपूरक कोणों में कौन कौन से आ जाएंगे, तो देखिए थीटा 4 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 7, थीटा 4 और थीटा 7 जो होता है दोस्तों, सॉरी थीटा 4 प्लस थीटा 6 जो है कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार से थीटा 3 प्लस थीटा 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये बातें सब समझ में आ चुकी होगी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। आप इसे नोट डाउन कर लिए, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ दोस्तों। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपका काम हो चुका होगा। अब दोस्तों एक और होते हैं पूरक कोण। क्या होते हैं, पूरक कोण। और पूरक कोण यहाँ पर निर्मित नहीं है, क्योंकि यहाँ दो कोणों का योग 90 डिग्री हम बता नहीं सकते अभी, थीटा माना इसलिए। लेकिन पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। कितना हो, जैसे हमने यहाँ पर 180 डिग्री का है तो इसको तो संपूरक कोण कह दिया, उसी प्रकार से पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बातें समझ में आई, आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने शेयर करी, और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई भी होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ताकि हमारा जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री हमें दे रखा है, और हमारे को नाम देना है, तो हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, और इसे दे दीजिए ओ। और अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि बी ओ सी एंगल कितना होगा, ठीक है, बी ओ सी एंगल कितना होगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही आपको दो रेखाएं कट कर रही है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, ये रहा, ये 50 है, इसका मतलब ये एंगल भी 50, बात समझ में आई। और जब, तो अब इसे हम एक बार ऐसे बी ओ डी इज इक्वल टू लिख देते हैं ए ओ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, और एक लाइन लिखिए आप यहाँ पर कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी एंगल का योग होगा 180 डिग्री, होगा या नहीं, क्यों, एक ही रेखा के एक ही ओर बने हुए दो कोण हैं, क्योंकि ये मान सकते हैं हम क्या है थीटा 1, तो ये वाला एंगल जो पूरा है वो थीटा 2। ठीक है, तो देखो ए ओ सी कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, कितना हो जाएगा 130 डिग्री
बात समझ में आई? तो BOC एंगल हमने कैसे निकाल लिया, ये भी बात समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, अगर AOD पूछ लेते तो AOD क्या होता दोस्तों, इसका शीर्षाभिमुख कोण, तो यह भी कितना हो जाता, 130 डिग्री ही होता। ठीक है, तो हमने चारों कोण निकाल लिए यहाँ, और तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन इस प्रकार के और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो है दोस्तों कल के वीडियो में भी हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है दोस्तों कि मैं आपके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करवाई है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, आप लोगों को अगर बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर करना मत भूलिएगा। और लास्ट वीडियो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में हम जो है दोस्तों पेडागोगी भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, पेडोलॉजी जो है दोस्तों मैथ्स की, उसके बारे में भी बात करना स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।